हाय खलकू, हाय अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आई कांट सी, कांट सी, नीड टू पुट माय ग्लासेस ऑन, सॉरी। ओके, सो मैंने कल व्लॉग पोस्ट किया अबाउट वो इन्फ्लुएंसर और आई एम नो कूल के बारे में। अभी मैंने पोस्ट ही किया के चार डिसलाइक। आई से हाउ कम दैट कैन हैपन, नो इवन वॉच एंड डिसलाइक। सो इसका मतलब है कि मेरे हर व्लॉग पे 6-7-8 डिसलाइक होते हैं। तो अब मुझे पता चल गया कि ये वो लोग डिसलाइक करते हैं जो कि देखते भी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि व्लॉग कब आएगा मामा का मसाला का, कि हम डिसलाइक करें। Yeah, somebody beautiful. Somebody left a comment on your recent video. So we just uploaded it. That's why we're talking about it. Okay. It wasn't anything bad, but I think she was genuinely like maybe concerned. I don't know. Maybe it was a backhanded comment. Who knows? Said that I wish you lot would stop worrying about what other people think. Please subscribe and click the bell to get notification. तो इसके बारे में तो मैं ये एक जवाब दूंगी कि एक तरफ आप लोग कहते हो मामा हमारे साथ हर चीज शेयर करो, और बल्कि मेरी रेसिपी से ज्यादा, मेरी टमी आवाजें कर रही है, मेरी रेसिपी से ज्यादा आप लोग मेरे व्लॉग पसंद करते हो। जाहिर बात है, इंसान उसी चीज को अपनाता है जो लोग पसंद करे। माई पैशन इज मेकिंग फूड, पर आप लोग मेरे व्लॉग को, मेरे टॉक को ज्यादा पसंद करते हो, तो मैं उसी तरह कन्वर्ट कर रही हूँ, अपनी हर लाइफ की चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी बच्चे, यू ना भी ओके। तो जाहिर बात है, एक तरफ आप कहते हो मेरे साथ हमारे साथ हर चीज शेयर करो, तो जब शेयर करते हो फिर आप लोग कहते हो कि मैं क्यों ऐसे कह रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ। वो पुश्तों में कहते हैं, पुश्तों में मुझे नाफिया मिल गई। वो पुश्तों में कहते हैं, पुश्तून समझ जाएंगे कि टिंग कोमा टीजनयम रिख कोमा रिखनयम और समथिंग लाइक दैट। सो इंसान को किसी हाल में भी नहीं छोड़ते। पर एनीवे, आई गॉट लोड्स ऑफ नाइस फॉलोअर अल्हम्दुलिल्लाह, एक दो की बातों से मुझे कुछ होता नहीं। अच्छा, तो आज का व्लॉग क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट मुझे आते हैं कि मामा ख्वाबों के बारे में आप क्या कहते हो, हमने ये ड्रीम देखा है, हमने वो ड्रीम। मैं भी बहुत कम ड्रीम देखती हूँ और बहुत ही उसके मैनी होते हैं, मीनफुल ड्रीम देखती हूँ। तो मेरी मामा को ड्रीम की नॉलेज थी या उन्होंने पढ़ा था ड्रीम के बारे में, मुझे सही पता नहीं है। पर मेरी अम्मी को ड्रीम्स का काफ़ी इलम था, और उस लिहाज से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो मुझे याद है। अगेन माफ़ी मांगती हूं कि अगर आप में कोई ड्रीम का इलम रखने वाला हो, ख्वाबों का इलम रखने वाला हो, और वो मेरी किसी चीज़ को गलत कहे, तो प्लीज़ ये सिर्फ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपनी मामा की नॉलेज आपको बता रही हूँ। मैंने ना ड्रीमों के बारे में पढ़ा है, ना मुझे शौक है कि मैं ड्रीम के बारे में जानूं। मैं बस कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से एक चीज़ है, कुछ शैतानियत है, दैट्स व्हाट माय मम टोल्ड मी। और मैं उसी तरह, मैंने कभी ड्रीम्स के बारे में कोई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमने ये ख्वाब देखा प्लीज़ मुफ्ती साहब से पूछे, हमने ये ख्वाब देखा प्लीज़ मुफ्ती साहब से पूछे। अब मैं, जाहिर बात है, कभी कभी मैं, पाकिस्तान में मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने ड्रीम का इलम किया हुआ है, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ, पर वो आगे से मुझे जवाब देते हैं बच्चे इसके टाइमिंग का बताओ, इसके दिन का बताओ, औरत नमाज पढ़ के सोई थी, बेनमाजी है, सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, सो मेनी। फिर मैं कहती हूँ ओके मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह मैं पूछ के बता दूंगी। तो इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर आप, मम्मी जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ बेसिकली, सो दिस वीडियो इज मेनली अबाउट ड्रीम्स, सो व्हाट दे मीन, what's the whole story behind it, you know, what Islamically. So we're going to be giving you an Islamic point of view while my mum is. She's just talking about how a lot of people on Instagram have relayed to her the fact that they've had dreams, and if they can, she can ask a mufti about the meaning of these dreams. So she has gone to Pakistan, she knows a mufti there,
But they've asked certain questions, they need more further details in order to basically explain the meaning of the dream, like, or was the woman in wudu, did she pray, what else? Even they ask ke woman apne monthly cycle mein to nahi thi. It's too many things involved. So it's not a straightforward thing. Okay, so can you close that door now? Okay, so अब मैं आपको बता दूं, मेरी अम्मी ने जो मुझे इल्म दिया है उसके मुताबिक, क्योंकि मैं ड्रीम बहुत कम देखती हूँ और जब भी देखूँ वो सच्चे हो जाते हैं, तो मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा था तीन टाइप के ड्रीम्स होते हैं, थ्री टाइप ड्रीम. एक, सो माय मम इज गोना टेल यू इन व्हाटएवर नॉलेज दैट माय मम हैज इज पास्ड डाउन फ्रॉम हर मम. She was an expert on dreams. She had a lot of knowledge about dreams. So she. मुझे पता नहीं है कि उन्होंने कोई, क्योंकि मेरी अम्मी ने बहुत इल्म किए थे, उन्होंने तफसीर से कुरान पढ़ा था, उन्होंने बामानी कुरान पढ़ा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुरान का हिस्सा हिफ्ज़ किया हुआ था, उन्होंने बहिश्ते ज़ेवर पढ़ा हुआ था, उन्होंने सही बुखारी पढ़ा हुआ था, तर्मिज़ी पढ़ा हुआ था. एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इल्म दिस वुमन गॉट अबाउट इस्लाम, बट शी वाज फुल ऑफ नॉलेज. और बहुत फैमिली के लोग उससे सलाह लेने आते थे. अल्हम्दुलिल्लाह, शी वाज अ वेरी पाइस वुमन, एज आई से इन ईच ऑफ एवरी वीडियो ऑफ माइन. सो मुझे नहीं पता कि उन्होंने ड्रीम का कोई इल्म किया था, या उनको पता था, या उनको अपने मुफ्ती साहब ने बताए थे, लेकिन मेरी अम्मी के पास ड्रीम्स का काफ़ी इल्म था. तो द वे शी एक्सप्लेन मी, आई डोंट नो, मेरी टमी कर रही है. Did you have any dairy? No? Oh, मैं मिल्क से एलर्जिक हूँ और मैंने आइसक्रीम खा लिया था. ओके, तो पर शुक्र है कि मैं सवी एलर्जिक नहीं हूँ. अच्छा, एनीवे ड्रीम की तरफ दोबारा आते हैं. तो ड्रीम का जी बच्चे, तो मेरी अम्मी ने कहा था तीन टाइप के ड्रीम्स होते हैं, थ्री टाइप ऑफ ड्रीम. एक ड्रीम जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होते हैं, सच्चे सुच्चे प्यारे. एक ड्रीम इंसान की खुद की इमेजिनेशन के होते हैं, वो दिन में जो कुछ भी करता है उसके मुताबिक होते हैं. और अब अरबी में, अरब लैंग्वेज में उसका नाम होता है हदीदुन नफ्स. हदीदुन नफ्स, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लेना. थर्ड टाइप ड्रीम जो होते हैं वो शैतानी होते हैं. अब ये मिडल में से मैं पिक कर लेती हूँ, जो हदीदुन नफ्स ड्रीम है, जो कि इंसान के अपने इमेजिनेशन के बारे में होते हैं. इस पर एक बहुत बड़ी साइंटिफिक लोग जो हैं वो रिसर्च भी कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा हुआ है कि इंसान जो दिन में करता है या ख्वाहिश रखता है, जैसे कि मैं कोई कार ले रही हूँ, मैं कोई घर ले रही हूँ, या मैं कुछ और ले रही हूँ, वो जरूर as a dream presents itself as dream. So just to quickly thing. Sorry, I'm not interrupting mum. I'm just, mum said to translate, and a lot of people say because translate. I can't do subtitles, she's my subtitle. So mum said there's three types of dreams. You've got one dream that is purely from Allah, so they're pure, that is directly from Allah. You have the second type of dream, so whatever you've done in your day, or whatever you've been overthinking and all that stuff to do with your daily life, what you've been doing, basically it presents itself as within your dream. So if you've been thinking about having a car or whatever it is, you're going to dream about it, and that is called hadidun nafs. Then the third dream is purely the type shaitani. Is shaitani dream, which is like from the devil. The devil intervenes within the dream. Okay, so mom was also saying about how there's a lot of scientific research going on about dreams, and about, you know, the meaning of dreams, why people have them. So there's a whole team within the science community that are looking into the dreams. And they say the same thing. Ki dream jo hadidun nafs ड्रीम है जो कि प्रूवन अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ ड्रीम दैट वी टॉक्ड अबाउट, वो हमेशा इंसान के अपने इमेजिनेशन से आते हैं. सो जैसे कि मैं कभी कभी सोचती हूँ मैंने निटिंग करनी है, ये वाला बनाना है, सारी रात मैं निटिंग करने में गुजर जाती है. ओह, मैं सुमैया को कहती हूँ, सुमैया की बेबी की निटिंग ब्लैंकेट बना रही थी, मैंने कहा सुमैया सारी रात ड्रीम में मैं ब्लैंकेट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा होता है, ऐसे पैटर्न है, वैसे पैटर्न है, ये पैटर्न है. मैं थक जाती हूँ, सारी रात मैं बनाती रहती हूँ. अच्छा, अब हदीदुन नफ्स ड्रीम का एक इशारा ये है
कि ये ऐसे ड्रीम होते हैं कि आप जब उठते हो ना तो आपको वो ड्रीम बिल्कुल, ये जो इमेजिनेशन वाली ड्रीम, वो आपको बस उठते हो तो आपको ऐसे फ्रेशली याद होते हैं, 2 मिनट में वो गायब हो जाते हैं. Oh, so Hadid al-Nafs, how to indicate that you've had a Hadid al-Nafs dream, so something out of your imagination. Is Nafs, when you, your own imagination, yeah. So when you wake up, you'll remember it straight away, but within a few seconds or minutes, you'll forget it. Yeah. So इस किस्म के dream का कोई भी आप bundle दिमाग पे ना ले कि ये ओ मैंने ये ड्रीम देखा है, मैं वो घर का ड्रीम देखा है, गाड़ी का ड्रीम देखा है. वो आप लगातार देखते रहते हो, देखते रहते हो, सारी रात गुजर जाती है और वो एक ड्रीम ख़त्म नहीं होती. तो उसका जो इंसान के अपने इमेजिनेशन की ड्रीम होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता. तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने अपने मुफ्ती साहब जो कि ड्रीम के इलम रखते हैं उनसे भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा बच्चे बहुत ज्यादा जो ड्रीम होते हैं ना वो इंसान की अपने इमेजिनेशन की वजह से होते हैं, और उन ड्रीम की निशानी ये है कि सारी रात गुजर जाती है पर वही ड्रीम तुम देखते हो. देखते रहते हो वो उसी ड्रीम में थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती है और वही ड्रीम तुम दोबारा 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 देखते हो उसी एक रात में. तो दिस इज हदीद अल-नफ्स ड्रीम. तो ये तो हो गया है हमारे ड्रीम का, हदीद अल-नफ्स का, जो कि हमारे अपने इमेजिनेशन की वजह से आते हैं. अब दूसरा जो टाइप होता है वो शैतानी ड्रीम का, जिसका अरबिक नेम या तो होम है या हुलूम, कुछ इस किस्म का है. मुझे कुछ सही तरीके से याद नहीं है, आप लोग मुझे करेक्ट. Yeah. Do you know there was a speaker here, the speaker one? You took it home and it was in your kitchen? No, a small one. तो मलीहा बीच में आ गई कि मेरा स्पीकर इधर है. मैंने कहा मुझे इस कमरे में ये भी पता होता है कि रेड थ्रेड कहाँ है तो ग्रीन थ्रेड कहाँ है. मैंने कहा यहाँ पे नहीं है. एनीवे तो दूसरा जो ड्रीम है उसका थोड़ा सा नाम में मैं गलती करती हूँ, वो शैतानी ड्रीम होते हैं और उसका अरबिक जो नाम है वो हुलूम या हुम या कुछ इस किस्म का ड्रीम है उसका नाम. और ये शैतानी ड्रीम होते हैं, ये इसका साइन ये होता है कि ये नाइटमेयर्स होते हैं. इसमें आप देखते हो कि ईवल आ रहा है मेरे पीछे, इसमें आप देखते हो आप हवाओं में उड़ रहे हो, इसमें आप देखते हो कि जंगल में आप घुस रहे हो, इसमें आप देखते हो कि बलाएं आपके ऊपर आ गई हैं. इनका जो साइन होते हैं ना वो आप डरने वाले साइन होते हैं. जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा एक सहाबा या कोई आदमी आए, मुझे सही हदीस याद नहीं है, कि उन्होंने आके कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा सर कट गया है और बॉल की तरह वो मेरा सर ज़मीन पर रुड़क रहा है और मैं बहुत घबरा गया था. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे साथ खेल रहा था और अरब शैतान हंस रहा है तुम पे वहाँ खड़ा होके, क्योंकि तुम मुझे ये ड्रीम बता रहे हो, तुम इस ड्रीम से पैनिक हो गए हो. शैतान का सारा मामला ये होता है कि वो इंसानों को, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, उनको तंग करता है. स्पेशली उनको ज़्यादा तंग करता है जो कि थोड़ी से अल्लाह के करीब होते हैं. तो वो शैतान आता है तुम्हें ऐसी ड्रीम दिखाता है कि तुम घबरा जाओ, तुम घबरा के जाओ दूसरे लोगों को बताओ और इससे फसाद बन जाए. और इस तरह वो शैतान साइड पे खड़ा होके मुस्कुरा रहे होते हैं कि तेरे को कैसे मैंने इसको तंग कर दिया. तो रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि ऐसे ड्रीम की कोई मीनिंग नहीं है. ऐसी ड्रीम जब आप लोग देखो किसी को मत बताओ, जाके अपनी माँ को भी ना बताओ, किसी को भी नहीं बताओ. और जब जाहिरी बात है जब आप ये ड्रीम देखते हो तो आपकी आँख खुल जाती है, तो आँख खुल जाए तो आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड पे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़ के ब्लो कर दो, थूक ना निकले बाहर, बस ब्लो कर दो और अपनी साइड चेंज कर दो. साइड इसलिए चेंज कर दो कि उस साइड पे शैतान लगा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम्हें तंग कर रहा है. तो साइड चेंज करने से शैतान रन अवे हो जाता है और औज़ु बिल्लाह पढ़ने से वो रन अवे हो जाता है. लेकिन ऐसी ड्रीम का कोई भी मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शैतान आप लोगों को तंग कर रहे होते हैं. जैसे कि अक्सर मैं देखती हूँ, कभी कभी मैं एक ख्वाब रिपीटली देख लेती हूँ कि मैं
मैंने गाड़ी पार्क की है और मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है. मैं ढूंढती हूँ कि मैंने यहाँ पार्क की थी, फिर मैं कहीं और जाती हूँ, गाड़ी मिलती नहीं है, मिल जाए तो फिर. कभी कभी मैं देखती हूँ, अक्सर क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त कार में घुसा रहा है, तो ऐसे मुझे शैतान इस तरीके से हिट करते हैं और मैं बहुत अफसरदा होती हूँ. एकदम मेरी आँख खुल जाती है तो मैं 3 दफ़ा ब्लो कर देती हूँ अपने लेफ्ट शोल्डर पर, औज़ुबिल्लाह और वला हौला वला कुव्वता पढ़ लेती हूँ. लेकिन ऐसी ड्रीम का कोई भी मतलब नहीं है और सिर्फ शैतान आपके मज़े लेता है, आपको तंग करता है. और सामने कोने में जब आप आते हो नाफिया को, मैं बताऊँ ड्रीम के, नाफिया ऐसे ऐसे हो गया, क्या होते हैं शैतान हंसने लग जाते हैं, वो बहुत खुश हो जाता है कि मैंने एक इंसान को तंग किया. क्योंकि शैतान इंसान का दुश्मन है. वो इंसान चाहे मुसलमान है, चाहे नॉन मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे जो भी है, शैतान बेसिकली इंसान का दुश्मन है, सिर्फ मुसलमान का दुश्मन नहीं है. तो वो हम इंसानों को तंग करता है. आप जब भी कोई ऐसा नाइटमेयर देखो तो उसकी एक तो नंबर वन ये याद रखो, कभी भी जाके किसी दूसरे को वो ड्रीम ना बताया करो. क्योंकि शैतान तुम लोगों पे हंसता है, तुम्हारी मजाक उड़ाता है, तुम्हें और तकलीफ देता है और फसाद फैलाता है, लोगों में फसाद फैलाता है, लोग थिंक करने लग जाते हैं और अब इसके साथ क्या होगा. और अल्लाह को शैतान का शरीक हम बना लेते हैं. दूसरी बात यह है कि ऐसे ड्रीम देखने के बाद अगर आपकी आंख खुलती है, अगर नहीं हमेशा आपकी आंख खुलती है, तो आप जरूर ब्लो करें. और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2 रकात नफल ऐसे ड्रीम के आप पढ़ा करें. क्योंकि जब भी आप 2 रकात नफल ऐसे पढ़ते हो तो अल्लाह ताला आपको शैतान की इस शैतानियत से बचा देता है. सो दिस इज वन थिंग अबाउट शैतानी ड्रीम. सो नेवर बिलीव ऑन शैतानी ड्रीम. सो नाफिया अभी मुझे पूछ रही थी कि व्हाट अबाउट वेट ड्रीम और जो जवानी की ड्रीम होते हैं वो किस्म की. जवानी की ड्रीम इज नॉट ओनली जवानी की ड्रीम, इज अ वल्गर काइंड ऑफ ड्रीम्स. मेन एंड वुमन हैव इट. ये दोनों को होते हैं. लेकिन वो भी याद रखे, वो प्योर शैतानी ड्रीम होते हैं. क्योंकि अल्लाह ताला हमें तंग नहीं करता ऐसी ड्रीम दिखा के, और हमारा खुद का नफ्स भी ऐसी ड्रीम दिखा के हमें तंग नहीं करता. ये 100% शैतानी ड्रीम होते हैं. लेकिन इसमें गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसी ड्रीम इंसान देखता है. ये होते हैं, ऐसी ड्रीम आ जाते हैं. पर इसके लिए फिर ये है कि अगर आप ऐसा ड्रीम देखो तो आप उसी वक्त, अगर आपकी जिस वक्त भी आंख खुले, आप गुस्ल ले लियो करो, पूरा नहा धो लिया करो. चाहे फ्रीजिंग कोल्ड है, आपको प्रॉपर गुस्ल लेना पड़ेगा. क्योंकि ऐसे ड्रीम देखने के बाद, और ये शैतान ही है जो कि हमें तंग करता है, क्योंकि हम पे वाजिब हो जाता है गुस्ल लेना. तो ये शैतानी ड्रीम ही है कि हमें शैतान इस तरीके से भी तंग करता है. ये वाली ड्रीम दिखा के भी हमें शैतान तंग कर लेते हैं. और कभी कभी हम इंसान बहुत गिल्टी भी फील करते हैं कि हम क्यों ऐसी ड्रीम देखते हैं. पर ये हमारे हाथ में नहीं है, ये शैतान जो जलील है उसके हाथ में. And a lot of it confuses you as well. You see weird things, but you just ignore them and do ghusl and don't take it seriously. And ये बात याद रखे कि कभी भी गिल्टी ना फील किया करे कि क्यों मुझे ऐसी ड्रीम आते हैं. क्योंकि ये शैतान आपके साथ प्ले अराउंड करते हैं. लेकिन अगर आप 7 दफ़ा सात दफ़ा यातुल कुर्सी और जिक्र करते करते सो जाओ, तस्बीह हाथ में पकड़ो, तो आपको भूलेगा नहीं. मेरी ये आदत है, मैं तस्बीह हाथ में पकड़ लेती हूँ, मुझे भूलता नहीं. सुबह मैं उठती हूँ तो तस्बीह मैंने यूं रखी होती, क्योंकि मेरी आदत है मैं यूं करके सोती हूँ, तो तस्बीह के सारे दाने मेरे चीक्स पे होते हैं. तो आई एम स्वेटिंग. सो ये नॉर्मल है अगर ऐसे. लेकिन ये एक बात याद रखे, मैं बीच में भूल जाती हूँ, कि आप आयतुल कुर्सी और तस्बीह पढ़ते 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 सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिहि, इस किस्म की दरूद पढ़ लिया करें, इस किस्म का जिक्र कर लिया करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज दिया करे और सो जाए, तो इंशाल्लाह इस किस्म की ड्रीम गारंटी आपको नहीं आएंगे. ना नाइटमेयर आएंगे और ना आपको ये दूसरे गंदे वाले ड्रीम आएंगे शैतान की तरफ से. अब ये जो तीसरी ड्रीम के बारे में हम जिक्र करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उस हकीकी ज़ात की तरफ से होते हैं. उसको मुबशरात भी कहते हैं और उसको रुया
रुहिया उसको रुहिया कहते हैं, मुझे यार भी नाम सही तरीके से याद नहीं थे, उसको रुहिया ड्रीम भी कहते हैं। तो वो सिर्फ मुबशरात का मतलब बशीर, बशीर तो वही है ना, बशारत देने वाला, तो glad tidings, yes, ये उसकी तरफ से होते हैं। Nafia, you didn't explain in English the about the, well, I was waiting to do it but you just went okay further. Can you explain the shaitani dream a little bit and then I can do the okay so the shaitani dream, what the Arabic word for the shaitani dream in Arabic is hum. So what basically is that it's entirely from shaitan, it's him playing around with you. So shaitani dreams, they associate, they're very the indication for a shaitani dream is that the whole purpose of it is to make you fearful of it. So you'll wake up very scared, very terrified. It'll be, is a nightmare. So it'll be you being chased by evil, things that you are afraid of, anything that makes you scared and fearful, that's a shaitani dream. The main thing to do in this case is do not tell anyone about the shaitani dream, because the whole purpose of it is shaitan wants to play with you and play with those who you relay that dream to. So if there is something, you'll be scared and your family would be scared, and things like, you know, you'd be dreaming about how your loved ones have passed away or have died or you've died or you've got into an accident. You so it creates havoc. Yeah. Can we go to the beach? Okay, in a minute. So yeah, so that's the purpose of it. You don't tell anyone, and as soon as you wake up, so to your left side, you imitate spitting. You don't actually go like that, but you spit like it's a spit, it's an imitation of a spit. So I like, do like that. So on your left side, okay? Read Auzubillah, and you said, and send the Rood Sharif to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And the other thing is that turn your side. So if you're on your right side, turn on your left. If you're on your left, you turn right. Because in that case, what happens is Shaitan is actually sitting on you or around you. Oh, so if you change sides, he'll run away. Yeah. So that is the whole purpose of shaitan. And don't believe on these dreams. Yeah, and they don't trust them. Nightmare, never ever. Don't trust from them. Your nafs and from Allah. And the main thing is, remember, shaitan cannot see the future. So that's the whole point of it. So, is that if you see your parents dying or you have an accident or whatever it is, so believing in that becomes shirk. So you've associated Allah, shaitan with Allah, which is like one of the highest. Yes. And also the wet dream is. Yeah, so those of you, don't be embarrassed about it. If you have wet dreams, obviously don't go around telling your friends about the wet dreams that you've had, okay? Because that's wrong. Don't get confused by it. You have partners. And don't feel guilty. Yeah, you have partners, you know, married couples and all that stuff, and they've had weird dreams about other people or whatever it is and all that weirdness, right? Don't feel guilty about it. It's all shaitan. The main thing to do, two things, don't tell anyone about it. And secondly, is you have to perform a ritual bath, which is a ghusl. Yeah. You know, that's what you have to do. So that's another shaitani dream as well. Okay. So again, we're going to come back to our third kind of dream. So which is from Allah. And that dream is like maybe a warning, or maybe Allah guide you, or maybe Allah tell you what to do. Maybe Allah help you to take out you from the situation and give you the sign. Like when we were buying this house, from our family uncle, but we call him uncle. He's not our blood uncle, but he's more than blood relation. We were buying this house from English mein kyun bol rahi hai? I don't know. To hum jaise ye ghar le rahe the, to kyunki kafi paisa beech mein involved tha, hum Pakistan mein bahut kuch uncle ko de rahe the. और मैं थोड़ा सा घबराई थी कि पाकिस्तान में हम सब कुछ सिर्फ इस एक घर के बदले दे रहे हैं. तो मैंने बस सोच में मैं ड्रीम में सो गई और मैंने ख्वाब देखा कि मेरे घर में ग्रीन बेड्स हैं, यानी ग्रास की ग्रीन बेड्स हैं. और वही आंटी जो है, जो अंकल की बीवी है, वो आई है. तो वो मुझे कहती है कि देखो तुम्हारे घर में कितने प्यारे ग्रीन बेड्स हैं. तो मैं उसको कहती हूँ नहीं, इस किस्म की ग्रीन बेड्स मैंने दो तुम्हारे घर भी भेज दी हैं.
सो बिकॉज मैंने उसको एक घर भी दिया था पाकिस्तान में, बहुत बड़ा ह्यूज घर इस घर के बदले में, और भी बहुत कुछ चीज़ें दी थी, पर दैट वाज माय ड्रीम हाउस इन पाकिस्तान, वो भी दिया था, और अब उस घर की कीमत करोड़ों है। तो वो आंटी को मैंने फ़ोन करके ये ख्वाब सुना दिया था, मैंने कहा आंटी इंशाल्लाह डन, मैं ये घर ले रही हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो वो आंटी बहुत ही ऐसी है कि उसकी कभी आंखें भी किसी नामर्द ने नहीं देखी हैं, ऐसी औरत है। तो उस आंटी ने फिर मुझे कहा, वो ब्यूटीफुल सारी सिर्फ नहीं है, वो इनसाइड भी ब्यूटीफुल है, अमेजिंग वुमेन है, एंड आई नो हर फ्रॉम एज ऑफ 16। सो उस आंटी ने मुझे कहा कि सबिया अल्लाह ने तुम्हें साइन दे दिया है और मुझे भी दे दिया कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए अच्छी होंगी और मेरी जो घर है ये तेरे लिए अच्छा होगा। तो वही हो गया, जो मैंने उसे दिया वो अब करोड़ों में है, और जो उसने मुझे ये घर दिया ये भी अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों में है, करोड़ों में है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये साइन था अल्लाह का कि ले लो, परेशान हो की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं इस घर में फ़ायदा ही दूंगा, और वही हुआ, अल्लाह का एक साइन आ गया। सो ये होते हैं रुया, ये है रुया ड्रीम, बशारत वाली ड्रीम, मुबशर की तरफ से ड्रीम। मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, बाकी बाद में बताती हूँ। बच्चे तंग कर रहे हैं क्योंकि उनको बीच पे जाना है, लेकिन बीच बीच में आ रही हूँ, तो बस अब थोड़ी देर में, क्योंकि असर का टाइम हो जाएगा, मैं जल्दी से बता दूँ। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से ड्रीम होते हैं, कभी कभी वो आपको अल्लाह ताला सीधा सीधा दिखा देता है कि ये होगा, और बस वो हो जाता है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रीम में देखा कि मैं अपने सर मुबारक को शेव कर रहा हूँ और तवाफ कर रहा हूँ, सो दैट हैपेंड। पर ऐसे ड्रीम हम इंसानों को भी आते हैं, लेकिन पैगंबरों को ऐसे ड्रीम बहुत आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी वी वुड कॉल देम इज प्रेमोनिशंस। या सो जो इब्राहिम अलैहि सलाम है, उन्होंने ड्रीम देखा कि इस्माइल अलैहि सलाम को ज़िबह कर रहा हूँ, तो वो होना था। लेकिन हमें भी ऐसे ड्रीम आते हैं, हमें भी आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, इट्स वेरी रेयर है, लेकिन डिपेंड करता है। हमें भी कभी कभी ऐसे ड्रीम आ जाते हैं कि ये होने वाला है, ये हो जाएगा, और वो हो जाता है अक्सर। कभी कभी मैं अपनी अम्मी को कहती थी मैंने ऐसा ड्रीम देखा, तो मेरी अम्मी कहती थी शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें एक साइन दे दिया कि ये होने वाला है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हज पे जा रहे हो तो आप हज का ही ड्रीम देखो कि मैं हज का, तो सेकंड पार्ट ना, ये सेकंड पार्ट का जो अल्लाह की तरफ से, द फर्स्ट वन इज नॉन सिंबॉलिक, इज वेरी डायरेक्ट, या द सेकंड वन इज अ सिंबल, सो इट्स मोर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। सिंबल का मतलब है कि तुम्हें एक चीज दिखा देते, जैसे कि मैंने एक दिन अपनी अम्मी को कहा कि मैंने देखा है कि मेरे दो दांत गिर गए हैं, मुझे ये ड्रीम बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं 14 साल की होंगी, मैं कहा मैंने देखा है कि मेरे दो दांत गिर गए। मेरी अम्मी ने जल्दी से मुझे पूछा कौन से दांत, मैंने कहा अम्मी मैंने पीछे वाले दांत देखे। मेरी अम्मी ने कुछ पढ़ा, मुझे याद नहीं कि क्या पढ़ा, और फिर मुझे कहा कि अल्लाह खैर करे, तो मैं घबरा गई। फिर मैंने देखा मेरे मामू फोत हो गए, तो फिर जब मैं बड़ी हो गई तो फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मैंने फिर देखा है वैसा ही ड्रीम कि मेरे दो दांत गिर गए। मेरी अम्मी ने कहा कौन से दांत, फिर वही जवाब। मैंने कहा अम्मी उसी के साथ जो मेरे पहले ख्वाब में गिरे थे उसके साथ वाले दो दांत। मेरी अम्मी बहुत फिर घबरा गई, और फिर मैंने देखा कि मेरे बहुत ही बिल्लव चाचू थे वो फोत हो गए हार्ट अटैक से एकदम, तो मैं और नमाज में फोत हो गए। तो मैंने फिर अम्मी से पूछा अम्मी क्या मसला है, जब भी मैं कोई दांत देखती हूँ तो ऐसे हो जाते हैं। मेरी अम्मी ने फिर मुझे एक्सप्लेन किया कि बहुत स्कॉलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताते हैं, डिफरेंट सिंबल का मतलब अपने इल्म के मुताबिक डिफरेंट तरीके से बता देते हैं। जैसे कि फैट काउ देखो और थिन काउ देखो तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर कहत आ जाएगा। So a fat cow and a thin cow would be a sign of poverty, like yeah. you know, drought. हम यानी कि हम कहत कहते हैं कि कहत आ जाएगा। तो इसी तरह दांत का अक्सर
लोग यही जो स्कॉलर ऑफ ड्रीम होते हैं वो कहते हैं कि पिछले दांतों का गिरना ऐसे होता है, एक सिंबल होता है कि तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो जाता है, या फिर इसी तरीके से कुछ और ड्रीम्स है कि जैसे कि छत एकदम से इंसान देख लेता है कि घर की छत उड़ गई है. आप यकीन करें, जब मेरे अब्बू फौत होने वाले थे तो मैंने देखा, मैं अम्मी के घर में जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, पर दरवाज़ा जब खोलती हूँ तो मेरी अम्मी की घर का छत नहीं होता. हालांकि मेरी अम्मी जिंदा थी और मेरे अब्बू बिल्कुल ठीक ठाक थे, और मेरी अम्मी को स्ट्रोक हुआ था, लेकिन अम्मी के बजाय मैंने अब्बू का देखा. और मेरे अब्बू और मेरे अम्मी के 3 महीने बाद फोत हुए, 3-4 महीने बाद फोत हुए, लेकिन मैंने अब्बू को पहले देख लिया कि मेरी अम्मी का के घर का छत उड़ गया है, नहीं है. इसी तरह जो सिंबल वाले, सिंबल को क्या, जैसे कि किसी चीज का उसके साथ ताल्लुक होता है, उस किस्म की ड्रीम हम देखें तो वो भी अल्लाह की तरफ से इशारा होता है. लेकिन ऐसी ड्रीम देखने से, जब आप सुबह उठते हो तो अगर आपको कोई सख्त साइन मिला है तो आप थोड़ा सा उदास होते हो, पर आप पैनिक नहीं होते हो. You're not scared. आप स्केर्ड नहीं होते, थोड़े से उदास फील करते हो. और अगर आपको अच्छा गुड न्यूज मिली है तो आप हैप्पी हैप्पी फील करते हो. Oh, you might be left confused. और कभी कभी आपको कंफ्यूजन भी होती है. ये सब चीजें मैंने, नाफिया कभी मुझे आके कहती मैंने ये ड्रीम देखा, तो मैं नाफिया को पूरा लेक्चर दे देती हूँ, अब ये बताना किसी को नहीं, अब ये ना करना, अब ये ना करना, ये शैतानी है, ये है. तो मेरे सारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह पता है, क्योंकि जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया मैंने इनको सारा कुछ बताया. अब इसमें एक चीज और भी है कि आप जब ऐसी ड्रीम देखो, आप किसी लव वन को जाके बताओ, किसी अच्छे इंसान को बताओ. एक आदमी था, ये भी मैंने पढ़ा हुआ है, अपनी अम्मी के मुंह से पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है, मैंने अम्मी के मुंह से सुना हुआ है कि एक आदमी था, मेरी अम्मी ने बताया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, मैंने ख्वाब देखा है, और वो भी बिल्कुल तहज्जुद के टाइम देखा है, और ख्वाब में मैं देखता हूँ कि मेरा एक पाँव जो है वो ईस्ट पे है और एक मेरा पाँव वेस्ट पे है, और मैं दोनों ईस्ट और वेस्ट पे खड़ा हूँ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुबारक हो, और मुबारकबाद के साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये ख्वाब किसी को बताया तो नहीं? उसने कहा मैंने अपनी माँ को बताया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ ने तुम्हें क्या जवाब दिया? तो कहते मेरी माँ ने जवाब दिया कि शुक्र है तू दो पार्ट में नहीं हो गया, शुक्र है कि तू ठीक ठाक है, दो पार्ट में नहीं हो गया. वो मेरी तरह कमकल थी, उसने ये बता दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही, कहते हदीस का मफहूम है कि उदास हो गए, और उदासी में उसने कहा कि अच्छा ख्वाब हमेशा अपने लव वन को और उन लोगों को बताओ जिसमें अकल हो, क्योंकि अगर तुम ये ख्वाब अपनी माँ को ना बता दे, उसने तुम्हें ताबीर बता दी, तुम्हें ताबीर बता दी, और वो भी इतनी गलत, नहीं तो तुम हुकूमत करते ईस्ट से वेस्ट तक. What? इस ख्वाब का ताबीर ये होना चाहिए था, अल्लाह ताला ने बता दिया था उस आदमी को कि ईस्ट से वेस्ट तक तुम हुकूमत करोगे. यू गोना बी एंड जस्ट बिकॉज शी इंटरप्रेटेड द ड्रीम रॉन्ग, यह इट्स नॉट गोना हैपन. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टोल्ड यू, कभी भी नाफिया मेरे पास आती, मैं नंबर वन ये कहती हूँ ड्रीम किसी को बताना नहीं, नंबर दो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला खैर करेगा, और नंबर तीन मैं ताबीर नहीं देती हूँ, मैं नहीं देती हूँ ताबीर, क्योंकि मेरे पास इलम नहीं है, मैं क्यों ताबीर दूँ. और चौथी मैं इनको कहती हूँ इसका ताबीर खुद ना निकालो, अल्लाह की बातें अल्लाह समझता है, अल्लाह जानता है. Obviously, we've already said that the last one is called Mubashir Dream, right? And it's directly from Allah. It's a more above positive. Basharat. Basharat meaning sign. Glad tidings in yeah. English. Yeah. So there's two types of it. You can have one that is very direct, that has no symbol. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a lot of the prophets would always have these kind of dreams. Unke saath wo kar ko kuch karte the na, to aaj dekh liye. Okay, but you've had your bit, kana. Ye main miss kar gayi thi ki agar paigambar kal kuch karte the to aaj dekh lete the. Kal kisi ko milna hai, aaj dekh lete the, milte the. Kal shopping pe jana hai, aaj dekh lete the. Lekin hamare saath thoda sa
rare hai ye. Yeah. So it's very rare for us kinds to have this. So it was a lot to do with the prophets that would have this kind of thing. So even like, you know, it's more of a premonition kind of thing. So Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seeing himself doing tawaf and having his head shaved, which would say indicate that he will do Hajj, wouldn't it? And it said in the Quran that you will do Hajj. That dream was true. Yeah. And the same incident with Ibrahim alayhi salam, who was going to, you know, cut his Qurbani, his son Ismail alayhi salam. So that's with that. That's with the prophets. Then you've got the second type, which is more common amongst all of us, and it's more of an indirect way of kind of telling you a message or a sign or something. And that uses symbolism. So like there's things like, so mum indicated, was talking about how she used to dream about her two teeth falling out. And every time she's had this dream twice, and both times her loved one, which is her uncle, both of her uncles passed away. So she asked her mum, what did that mean? So she basically said that the dream that you've had, it was a symbol for the fact that you're gonna lose your loved ones. Yeah. And she's already dreamt as well about her parents. So my nan and my both husband and wife passed away within 3 months of each other, and my mum had a dream that where she saw the house, that the roof of the house of my nan blow off, so which meant that basically she was gonna pass away. Yeah. Right. But my granddad was in there as well, so both of them passed away within 3 months of each other. Yeah. The one thing that surprised me about this, I didn't know about this. So mum, is it a hadith? My mum told me this. It's like, you know, my mum, as I told you guys so many times, that my mum, that was our you know, bedtime stories. My mum told us about Rasulullah, about all the Peygamber, all the Prophet, and all these kind of stories. Yeah. So my mum told me this story. Now, I never read the story. Oh, you haven't. Okay. But you know, my mum told me that, so I don't know how authentic it is. Okay, but anyway, so this is what my nan told my mum, that there was this guy who asked Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam that I've had a dream where I had a dream where one of my legs was on the east and one of my legs was on the west. So he was that stretched out from east to west. And then Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, he said something positive in return. He said, that's a really Subhanallah, this is amazing dream. And then, but he said, who did you tell? Did you tell anyone? He goes, no, the only person that I told was my mum. So he asked, what did she say? So he said that his mum told him. Oh, thanks God you thank didn't. God, at least, thank you God didn't you go didn't into- split in the middle. So Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam became very upset, and then he was asked by the man why that reaction. So basically he said that if she hadn't interpreted that way, you would have ruled from east to west. So these kind of dreams, make sure you tell a loved one, but then make sure that the loved one has enough knowledge. At least shut them out. Or they have a thing where they won't give you an interpretation of the dream. Yeah. So keep it with yourself. And mother is always the best loved one. Lekin kabhi kabhi maa bhi taalim yafta nahi hoti, Islam ka uske paas knowledge nahi hota. Zahiri baat hai, uski muh se aise baatein nikal jaati hai. So please don't tell anyone. And those who hear it, keep your mouth. So please don't tell anyone who don't know how to speak, interpret dreams. So, और दूसरी एक बात भी आपको हर किसी को ड्रीम के मतलब आते भी नहीं है 100%. तो कभी भी बिलीव ना करें. इवन वो बंदा कितना भी आपको कह रहे कि मैं हर, अब जैसे ये मुफ्ती साहब है, इनके पास बहुत इलम है जो मैं जानती हूँ पाकिस्तान में, और वो ऐसे भी नहीं है कि किसी से पैसा लेते हैं, कुछ फी सबीलिल्लाह ड्रीम की ताबीर बता देते हैं. बहुत ही मेहरबान, मदरसा चलाते हैं 500-600 लोगों का, पर वो भी हमेशा जब अगर मैं कोई ड्रीम देखूँ उनको बता दूँ, तो वो मुझे ये जवाब ज़रूर कहता है कि 100% मेरी बात पर एतबार ना करो, क्योंकि ये इलम सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को था 100%. यूसुफ अलैहिस्सलाम को 100%
ड्रीम की ताबीर का पता होता था, और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 100% ताबीर बताते थे। बल्कि एक मौके पे अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि मुझे ताबीर बताने दें, मैं ताबीर बताऊँ। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चलो बताओ ताबीर। जब उन्होंने बताया कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू बकर सदीक आप कुछ चीज़ों में ठीक सही हो और कुछ में गलत हो। तो इन अदर वर्ड के अबू बकर सदीक जैसे इंसान जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया में कह दिया था कि तुम जन्नती हो, और जो जिसको अल्लाह ताला ने नाम सदीक दिया, अगर वो सही मतलब नहीं दिखा सकता बता सकता तो हु वी आर, हम कौन है। खैर मैं तो बिल्कुल इतने जरा के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जो यहाँ पे दुनिया में हैं और इलम रखते हैं वो भी 100% सही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी कोई ऐसे बशारत वाली ड्रीम देखो, बस अपने किसी लवन को या किसी मुफ्ती को बता दिया करो, और जो कि मीनिंग जानता हो, और लेकिन दिल पे ना लिया करो कि ये 100% सही होगा, क्योंकि उसका मतलब कुछ और सकता है। मेरी अम्मी कहती थी कि रात के हिस्सों का भी पता होता है। जो बशारत वाली ड्रीम है अगर वो आप तहज्जुद से पहले देखो उसका मतलब और होता है, अगर आप उसको नमाज के से पहले देखो तो उसका और मतलब होता है, अगर आप उसको रात के डिफरेंट हिस्से में देखते हो तो उसका डिफरेंट मतलब होता है। इसी तरह जगह के मुताबिक भी ड्रीम बदल जाते हैं। इंडिया में ड्रीम देखो किसी चीज़ की सिंबल का उसका मतलब, यूके में ड्रीम देखो उसके सिंबल से मतलब डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ओशन जितना इलम है जिसको आज तक कोई इंसान पूरा नहीं ले सकता। अब ये जो स्कॉलर ऑफ इस्लाम है ये कहते हैं कि हमारे पास इलम है, हम इस्लाम का इलम जानते हैं, वो यहाँ तक कि फितवा देते हैं कि ये सही है ये गलत है, पर आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया कि मुझे 100% ख्वाबों की ताबीर का पता है। किसी ने भी आज तक क्लेम नहीं किया, कम से कम मैं नहीं जानती हूँ। तो अपने आप को परेशान ना किया करो, अगर कुछ ड्रीम देख लो और अल्लाह की तरफ से हो तो बस ये सोच लो अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, कोई सिंबल करके अल्लाह ने आपको दिखा दिया है, किसी और तरीके से दिखा दिया। जैसे कि उमर, एक आदमी ने ड्रीम देखा, मुझे सही तरीके से याद नहीं है, पर एक आदमी ने ड्रीम देखा कि कुछ लोग कपड़े पहन रहे हैं, किसी के कपड़े छोटे हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के लंबे हैं, पर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो कपड़े हैं वो लंबे सारे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर का ईमान इतना स्ट्रांग है। तो देखो वो कपड़ों की ताबीर इस तरह से हो गई। फिर किसी और मौके पे इसी तरह का ड्रीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी ताबीर बताई। तो ये हिकमत सिर्फ जो इलम रखने वाला हो वो जानता है, वो भी 100% नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे और यूसुफ अलैहि सलाम जानते थे और बाकी वही एक साथ जानती है। तो ऐसी ड्रीमों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ड्रीम हमारे लिए अच्छे और प्यारे हैं। बिकॉज मैं और नाफिया हमेशा बहुत ही इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन जैसे एक दफ़ा मैं एक सिंपल, मैं अपनी ज़िंदगी की मिसालें देती हूँ। मैंने एक दफ़ा देखा कि अम्मी, मैंने ख्वाब देखा कि एक अपने फैमिली मेंबर के बारे में ख्वाब देखा कि वो दुल्हन बनी बैठी हुई है और बहुत ही प्यारी है और उसकी शादी हो रही है। तो मेरी अम्मी ने कहा कि उसकी शादी उसी के हस्बैंड के साथ हो रही थी या किसी और मर्द के साथ। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैंने देखा कि उसका हस्बैंड तो उधर बैठा था, उसकी शादी किसी और मर्द के साथ हो रही। तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा अल्लाह खैर करे, और अल्लाह खैर करे बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि उस औरत की डेथ हो गई। प्लीज डोंट ड्रीम अबाउट मी, जस्ट प्लीज डोंट ड्रीम अबाउट मी, डोंट ड्रीम अबाउट मी। तो मुझे फिर याद आया कि मेरी अम्मी ने कहा था अल्लाह खैर करे। इसी तरह मैंने काफ़ी ड्रीम देखे हैं, लेकिन बहुत मदद बाद एक ड्रीम देखी। अच्छा, मैंने एक ख्वाब देखा था, तब हमारे बहुत टाइट हालात चल रहे थे, हमारे कुछ शॉप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, फिश एंड चिप शॉप थे, और काफ़ी टाइट थे हमारे हालात। ये तब की बात है जब नाफियस ओनली आई थिंक 6 ईयर ओल्ड थी। मैंने ख्वाब देखा कि मेरी खाला है, और मेरी खाला आई है, और वो फोत हो गई थी तीन दिनों। तो वो आई है ग्रीन प्याले में, मेरे लिए दूध लेके आई है, और ग्रीन
ग्रीन प्याले में सफेद दूध लेके आई है और ग्रीन खुसा जो जूता होता है और उसमें रंग बिरंगी प्यारे प्यारे नग्स लगे हुए, मुझे आज तक वो ड्रीम याद है। और वो आके मेरे घर में आ जाती है तो मैं उसे कहती, मैं हैरान हो जाती हूँ कि मरियम खाला तो फोत हुई है, ये कहाँ से आ गई। तो और उसकी भी डेथ सजदे में हुई थी, वो मेरी ऐसी खाला थी। तो मैं उसको तरफ देखती हूँ, मैं कहती हूँ क्या है खाला, तो वेलकम के बजाय मैं उसको देखती हूँ ये क्या लेके आई है। तो वो कहती है ये मैं तेरे लिए लाए हूँ, ये तुम पी लो और ये जूता तुम पहन लो। और अल्लाह की शान के अल्लाह ताला ने वो नुकसान ऐसे बदल दिया कि वो ग्रीन जूता अल्लाह ने मेरी लाइफ में ग्रीनली ले आया और मुझे इतना हमें फ़ायदा हुआ। हमने एक टूटे पजे घर लिए थे, वो हज़ारों के बिक गए, शॉप हमें उससे बेहतर 2-3 शॉपें हमें मिल गई। तो ऐसे ड्रीमों के अजीब अजीब मतलब होते हैं। तो हमेशा ये नहीं, जैसे कि मैंने एक दफ़ा देखा, ड्रीम देखा कि अम्मी मैंने ड्रीम देखा है कि किसी के बारे में देखा, वो भी किसी और के बारे में देखा कि उसके पास गोद में बैठा हुआ है और इतना बड़ा बेटा है। मेरी अम्मी बहुत मुस्कुराई, कहती है अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी किस्मत हर किसी को दे। मैंने कहा अम्मी इसका क्या मतलब है, कहती है उसको अल्लाह ईमान देगा। तो मेरी अम्मी 100% सही ड्रीम नहीं थी बताती थी, लेकिन कुछ अपनी इल्म की वजह से बताती थी। वाकई वो औरत आज भी जिंदा है जिसका मैंने बेटा देखा था, और शी इज अ पाइस वुमन। सो मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ मतलब होता है। जैसे कि कभी मेरी अम्मी ने एक दफ़ा देखा था कि बहुत ज़्यादा गोश्त है उसके घर में, तो मेरी थोड़ी सी अम्मी ने कहा कि आज मैं सब बच्चे नफल पढ़ो, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है ना। तो मैंने अम्मी को कहा, मैं क्योंकि अम्मी से क्लोज बहुत थे, मैं कहती थी अम्मी मैं यहाँ पे थी, अम्मी अमेरिका में थी। मैंने कहा क्यों अम्मी ऐसे कुछ है, कुछ रॉन्ग होते हैं? तो अम्मी कहती थी नहीं, कच्चे गोश्त का देखना बच्चे थोड़ा सा अल्लाह की तरफ से एक वार्निंग होती है, एक बशारत होती है कि कुछ ऐसे होने वाला है। पर अम्मी ने बताया नहीं क्या होने वाला है। फिर हम सब ने नफल पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हम नफल पढ़ लिए थे। तो इसी तरह डिफरेंट, अब जैसे कुत्ता भागता है तुम्हारे पीछे, अब कुत्ता भाग रहा है तुम्हें बाइट करना चाहता है, तो अम्मी बताती थी कि इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई दुश्मन है। लेकिन कुछ और लोग कुछ और इसका मतलब बता देते हैं। तो इसी तरह ड्रीम्स, कुछ ड्रीम्स जो सिंबल में आते हैं अल्लाह की तरफ से एक बशारत होती है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। नाफिया को मैं तंग करती हूँ, मैं शद के जाऊँ, बेचारी के बच्चे बार 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 आ रहे हैं और ये मेरी खातिर उनके पास, क्योंकि मैं इस लड़की के बगैर ना मैं कुछ भी नहीं। ये धूप पे बैठी थी, ये देखो काला नमूना हो गई है। पर यू नो पता नहीं क्यों मुझे नाफिया का सांवला, जब ये सांवली होती है मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। anyway. तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए। अपने इल्म के मुताबिक मैं आपके साथ अपनी नाचीज़ सी चीज़ों में, कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं आता, सिर्फ अपनी माँ का इल्म आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा, मेरी माँ को अल्लाह इससे सदके जारिया दे, सवाब दे। मेरे लिए ये व्लॉग अल्लाह ताला मेरा ये व्लॉग मेरी माँ के लिए सदके जारिया बताए, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही ज़बरदस्त औरत थी, बहुत ज़बरदस्त। उसका ईमान ये था कि गरीबों को खुश करो, खैर खुद भूखे नंगे बैठे रहो पर गरीबों को खुश करो। तो ये मैं उसके सदके जारिया के लिए उसका सारा इल्म मैं और नाफिया दोनों रोएंगे। नाफिया वेरी क्लोज थी मेरी मामा के साथ, नाफिया मेरी मामा के साथ बहुत क्लोज थी। बल्कि आपको एक मजे की बात बताऊं, जब नाफिया की शादी थी ना तो नाफिया घबरा की उठी। नाफिया मेरी अम्मी के बेड में लेटी हुई थी, जो नाफिया की तो 3 शादियां हुई है ना, जो पाकिस्तान वाली शादी थी। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि दुल्हन थी। कहती है नानी अम्मा खड़ी थी इधर। मैंने कहा नहीं नाफिया, जो मर जाते हैं वो नहीं आते यहाँ पे, उनको इजाज़त नहीं है दुनिया में आने की। कहती नहीं, वो आई, उसने मेरी उंगली को ऐसे किया, समथिंग लाइक द। नाफिया बहुत क्लोज थी मेरी अम्मी के साथ, बहुत क्लोज थी, और मेरी माँ की इसमें जान थी। तो मैं जो भी अपनी माँ की बातें बताती हूँ, वैसे सारी उम्र जब मैं अम्मी अब्बू जिंदा थी तो मेरा फेवरेट मेरा अब्बू था। मेरी अम्मी शिकायत करती थी, मेरी अम्मी कहती थी बस अब्बू 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 करती रहती हो, दाजी बाबा मेरा नहीं पूछती हो। लेकिन अब
वो जालिम ही ज्यादा याद आती है, अब्बू से ज्यादा भी वो याद आती है। चलो इंशाल्लाह बैटरी खत्म होने वाली है, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।